नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। 15 अगस्त को अक्षय कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। इसके पहले उनके पास कैनेडियन नागरिकता थी। अक्षय के अलावा भी आलिया और नोरा जैसे कई स्लैब्स हैं जो विदेशी नागरिकता के साथ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लॉयज़ के अध्यक्ष ने बताया कि इंडस्ट्री में काम कर रहे विदेशी क्रू मेंबर्स में लगभग 90% के पास फिल्म वीज़ा नहीं है और उनमें सबसे ज़्यादा रशिया के लोग हैं। दुबे ने बताया कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप हैं जो विदेशी क्रू मेंबर्स से जुड़े हैं। बड़े बड़े प्रोडक्शन के साथ भी उनका टाइप होता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्शन हाउस कॉर्पोरेट ग्रुप को अप्रोच करते हैं, फिर कॉर्पोरेट ग्रुप विदेशी क्रू मेंबर्स उन तक पहुंचाते हैं। इंडस्ट्री में काम कर रहे विदेशियों की बात करें तो इसमें फिल्म वीज़ा पर आने वाले लोगों की संख्या बेहद ही कम है। 10-15% लोग ही फिल्म वीज़ा पर काम करते हैं। इंडस्ट्री में टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा वाले अधिक हैं। कैमरा हैंडल करने वाले, मेकअप आर्टिस्ट जैसे लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। अधिकतर लोगों की कोई पहचान नहीं है। प्रोड्यूसर्स को भी इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनकी टीम में गैरकानूनी ढंग से लोग काम कर रहे हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।